हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी सिस्टम क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसका हमारे बॉडी में क्या यूजेस हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव सभी प्लेयरों को ये बताना है कि हमारे बॉडी का एनर्जी सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, वी शुड स्टार्ट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इन एनर्जी को हम फूड के थ्रू प्राप्त करते हैं। और हमारी बॉडी इस फूड के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के नेम से भी जाना जाता है। इसी एटीपी के हेल्प से ही हमारी बॉडी रन करता है। आप जिन न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड में यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, फैट आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है और प्रोटीन आपके मसल के बिल्डअप और रिकवरी में हेल्प करता है, ये आपको कोई भी एनर्जी नहीं देता। हमारे बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम है, जिसमें से पहला है एटीपी सीपी या फास्ट फ्यूजन एनर्जी सिस्टम, दूसरा है एनोरबिक सिस्टम और तीसरा है एरोबिक सिस्टम। इन तीनों को मैं आपको डीपली बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एटीपी सीपी सिस्टम। इसका यूज बहुत ही शॉर्ट रिपीटेशन, जैसे 1 या 2 एक्सप्लोजिव मूवमेंट के लिए यूज होता है। ये एनर्जी सिस्टम 6 से 10 सेकेंड के एक्टिविटी के लिए बेस्ट मानी जाती है, जैसे थ्रोइंग, हिटिंग, जंपिंग और स्प्रिंटिंग गेम्स के लिए। इस एनर्जी सिस्टम का लिमिटेशन यही है कि इसको बॉडी बहुत ही कम मात्रा में स्टोर करता है और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। रिकवरी के दौरान क्रिएटिन फास्फेट और एडीपी मिलकर दोबारा से एटीपी को जनरेट करता है। नेक्स्ट है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो 10 सेकेंड से ज़्यादा और 1 मिनट से कम वाले एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग, जंपिंग रोप, 800 मीटर रनिंग, 200 मीटर स्विमिंग, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में इस एनर्जी सिस्टम का यूज होता है। ये सेकेंड फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम है। इसका लिमिटेशन ये है कि इसको आप 10 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके लिमिटेशन ये भी है कि इसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज लीवर और मसल में लिमिटेड है। रिकवरी पीरियड में ग्लाइकोजन की हेल्प से दोबारा से एटीपी जनरेट होता है, जिसमें बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इसमें लैक्टिक एसिड का बहुत ज़्यादा बॉडी में बनने पर थकान का भी कारण बनता है। एंड नेक्स्ट है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी जो 3 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए यूज होता हो, उस एक्टिविटीज़ में इस एनर्जी सोर्स का यूज होता है, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड सो ऑन। क्योंकि ये एरोबिक एनर्जी सिस्टम है, इसलिए इसमें एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होता है। ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड इसमें फ्यूल की तरह काम करता है। रिकवरी पीरियड में ग्लाइकोजन, फैट्स और प्रोटीन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एटीपी को जनरेट करता है, जिसमें बेस प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। इसका लिमिटेशन ये है कि इसको हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एटीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं है। सो आई होप दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि आपके बॉडी में कितने टाइप के एनर्जी सिस्टम हैं और वो कितने टाइम के लिए काम करता है। एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए आप गुड क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लीजिए और रेस्ट का भी खास करके ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो में आपके स्पोर्ट और आप में कौन सी एनर्जी सिस्टम वर्क करता है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। थैंक यू।